रीवा के एजी कॉलेज तिराहे के पास शाम 6 से 7 के बीच मोटरसाइकिल से आए दो अज्ञात युवक ने युवक को मारी गोली। युवक गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। सिविल लाइन थाने का है मामला। रीवा के एजी कॉलेज तिराहे के पास शुक्रवार की शाम 6 से 7 के बीच चली गोली। एक युवक की पीठ में लगी गोली। इलाज के लिए उसको लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हम आपको बता दें, रीवा के एजी कॉलेज तिराहे के पास शुक्रवार की शाम लगभग 6 से 7 के बीच में अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल से आए। उन्होंने एक युवक के पीछे से गोली चला दी। युवक के पीछे से गोली चली, उसके पीठ में गोली लगी है। सीवर की सिविल लाइन पुलिस युवक को 108 की मदद से गांधी अस्पताल लेकर आ गई है। यहां पर उसको भर्ती करके उसका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में युवक को भर्ती कर लिया गया है। युवक वहीं पडरा का रहने वाला। युवक का नाम रितेश कोल बताया गया है। उसके पिता पिंकू कोल कुछ ऐसी ही बात की जानकारी मिली, उसके लड़के को गोली मार दी गई है। वह फौरन ही संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। फिलहाल वह कुछ भी नहीं बता पा रहा। उसके लड़के को किसने गोली मारी, क्यों मारी, हम आपको बता दें। सिविल लाइन थाना अंतर्गत अज्ञात मोटरसाइकिल से आए हमलावरों ने रितेश कोल पिता पिंकू कोल उम्र 22 वर्ष निवासी पडरा को पीछे से मारी गोली। घायल युवक के कमर में धंसी है गोली। घटना शाम 6:30-7 के बीच बताई जा रही है। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने 108 की मदद से उसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में पहुंचा दिया है, जहां गंभीर अवस्था में उसको भर्ती करके डॉक्टर ने उसका उपचार प्रारंभ कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर अज्ञात फरार आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। घटना किन कारणों से हुई यह अभी स्पष्ट नहीं है। रीवा में पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो पहले बिछिया थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मारकर घर पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद दूसरी घटना चोराटा थाना अंतर्गत हुई, जिसमें रीवा के शारदापुरम में डेयरी की दुकान करने वाले दो भाइयों को लूट की नियत से मारपीट की गई थी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता पा ली। आज एक बार फिर भीड़ भरे इलाके में जिस तरीके से गोली चलने की घटना को अंजाम दिया गया है, यह अपने आप में काफी हैरत करने वाली बात है। रीवा में अभी इस तरीके से खुलेआम गोली चलने की घटनाएं आमतौर पर नहीं देखी जाती। युवक के पीठ पर गोली लगी है, अंदर घुस गई है। डॉक्टर उसका उपचार करके गोली निकालने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी रितेश को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले बिछिया थाना, फिर चोराटा थाना, उसके बाद सिविल लाइन थाना। लगातार जानलेवा हमले सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। फिलहाल गोली से घायल युवक संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। उसके परिजन भी गोली चलने की सूचना पाकर तत्काल ही संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। हमने जब गोली से घायल युवक रितेश के पिता से जानने की कोशिश की किस वजह से गोली लगी, किसने मारी गोली, तब उसका साफ तौर से कहना था हमें कुछ नहीं पता। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सीधे संजय गांधी अस्पताल आ गए। फिलहाल अभी मेरी मुलाकात मेरे बेटे से नहीं हुई, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सुनिए रितेश के पिता पिंकू इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। हम अपने घर के पास बैठे, कुछ लोग बोले आए तुम्हारे लड़का गोली मार दिया है। लड़का लड़के का क्या नाम है? रितेश। क्या नाम है? रितेश। रितेश, कौन मारा गोली? ये तो नहीं मालूम। कहाँ पे घटना हुई है? कलेक्ट्रेट एजी कॉलेज मोड़ के पास। कौन मारा है? ये तो नहीं मालूम कौन मारा है, कोई बताएगा। आप कौन है? कहाँ रहते हैं आप? हम पटना में रहते। पटना में रहते हैं। बात को लेकर गोली मारा नहीं मालूम? नहीं। और कौन लोग मारा नहीं पता? नहीं। बच्चों को जानकारी है? पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? पिंकू कोल। आपको पता नहीं कि मतलब क्यों गोली मारे हैं? गोली चली है यहाँ से। कोई लड़के, दो लड़के जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे, अपाचे बाइक से, पता चला है यही पे एक लड़का, आदिवासी लड़का है, उसको गोली लगी है। कहाँ पर लगी है गोली?
हमने तो देखा नहीं, पीछे बता रहे हैं कि पीछे लगी है कहीं पे। तो ये गोली चलाने वालों को पता नहीं चला कौन लोग हैं? नहीं पता चला, बोले कि मुंह बताया कि मुंह बांध के इधर से निकल गए, इधर से आए सपना। जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? रितेश रावत। वो क्या करता है यहाँ पे? सरदार जी का दुकान में काम करता है वो। क्या लग रहा है कि क्या घटना हो सकती है? इसके बारे में मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं, कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, कहे कि मैं यहाँ था नहीं, है ना।